देवर भाभी घर वालों से छिपाते हैं ये गहरे राज, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अक्सर आपने देखा होगा जब भाभी पहली बार ससुराल आती हैं तो उसकी अपने देवर से ज्यादा बनती हैं। देवर और भाभी का रिश्ता भाई बहन की तरह होता है। आमतौर पर इन दोनों की उम्र भी लगभग समान होती है। वो उसके साथ फ्रेंक होकर हर बात शेयर कर देती है। रिश्तों और संवाद का बहुत गहरा संबंध है। जितना मधुर और उपयुक्त संवाद होता है वैसा ही रिश्ता बनता चला जाता है। दिमाग के स्तर पर दो व्यक्तियों के मन में क्या और कैसी प्रतिक्रिया होती है इसका अनुमान लगा पाना कठिन होता है। वहीं देवर भी भाभी से ज्यादा घुल मिल जाता है। वो भाभी को अपनी बड़ी बहन या दोस्त की तरह ट्रीट करने लगता है। ऐसे में इनके रिश्ते में कुछ ऐसे राज भी पनपते हैं जिनका जिक्र ये घर वालों से नहीं करते हैं। दाश ये तो आप सभी जानते हैं कि एक देवर को अपने भाई के सभी राज पता होते हैं। ऐसे में भाभी अक्सर यही कोशिश करती हैं कि वो अपने देवर से पति के सभी राज जुगलवा ले। उसके पति का पास्ट कैसा था, उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो असल में कैसे इंसान हैं या पहले हुआ करते थे इत्यादि बातें जानने को पत्नी उत्सुक रहती हैं। ऐसे में ये सभी सीक्रेट जानने के लिए वो अपने देवर का ही सहारा लेती हैं। अब देवर उन्हें सारे राज बता भी देता है। हालांकि भाभी ये किसी को नहीं बताती हैं कि वो अपनी मीठी बातों से अपने पति के राज जानना चाहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब देवर से कोई गलती हो जाती है तो भाभी अपने देवर की गलतियां भी घर वालों से छिपाती हैं। आमतौर पर देवर नटखट होते हैं और जवानी के जोश में कई गलतियां कर देते हैं। ऐसे में भाभी उन गलतियों पर पर्दा ढाकने की कोशिश करती हैं। मसलन देवर का बाहर किसी से झगड़ा हुआ, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो इत्यादि राज भाभियां अपने तक ही रखती हैं। जब पैसों की जरूरत होती है तब भी देवर भाभी एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। मसलन यदि देवर को पैसे चाहिए तो भाभी अपने पति के पास से छुपके से दे देती हैं। वहीं यदि भाभी को पैसा चाहिए तो देवर अपने पिता के पास से दे देता है। इनका पैसों का ये लेन देन बाकी घर वालों को पता नहीं चलता है। हालांकि ये तभी होता है जब भाभी और देवर के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो। देवर भी भाभी की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। ससुराल में भाभी से कोई गलती हो जाए तो देवर उसे बचने का रास्ता बताता है। बहुत से कामों में वो भाभी की मदद भी कर देता है। यदि कोई भाभी की चुगली करे तो देवर उन्हें आकर सबसे पहले बता देता है। कुल मिलाकर वो भाभी को अपनी बहन की तरह ससुराल में प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात वो बाकी घर वालों के सामने नहीं आने देता है। ये राज सिर्फ उसकी भाभी ही जानती हैं। देवर और भाभी एक दोस्त की तरह होते हैं। ऐसे में देवर भाभी को अपनी लव लाइफ जैसे गर्लफ्रेंड से जुड़ी हर बात बता देता है। वहीं भाभी भी देवर को शादी के पहले के बॉयफ्रेंड या लव का किस्सा बता देती हैं। ये दोनों ही यह बातें अपने तक रखते हैं और घर वालों से छिपाते हैं।